एम्स में आंखों से जुड़ी बीमारी को लेकर जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया। हर साल 13 अक्टूबर के दिन पूरी दुनिया विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे के रूप में मनाती है, जिसका लक्ष्य लोगों को आंखों की सेहत के बारे में बताना है और जागरूक करना है। सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए इनको जागरूक किया जाता है। नियमित जाँच, उपचार और जरूरी परहेज से आँखें लंबे समय तक स्वस्थ रह सकती हैं। आजकल लोगों की दिनचर्या ऐसी हो चुकी है कि उनका पूरा दिन लैपटॉप और फोन पर गुजरता है और ये आंखों के सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। इससे होने वाली समस्याओं को बड़ों ही नहीं बच्चों में भी दिखाई देते हैं। इसको लेकर इस एम्स अस्पताल के अंदर एक जागरूक कार्यक्रम रखा गया और बताया गया किस तरीके से हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं। जी हां, विश्व दृष्टि दिवस से एक दिन पहले यानी 12 अक्टूबर को पहले ही दिल्ली एम्स अस्पताल में नेत्र विभाग की तरफ से जेएलएन स्टेडियम में पब्लिक लेक्चर सीरीज के तहत लोगों के अवेयरनेस पैदा करने के लिए दृष्टि दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो पहुंचे। अक्टूबर को मनाया जाता है लेकिन एम्स में एक दिन पहले ये हाँ नहीं वर्ल्ड साइट डे के ईव पे हम लोग पब्लिक लेक्चर करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ललित वर्मा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया ऑफ्थाल्मोलॉजी सोसाइटी का। सो ना ही हम यहाँ कर रहे हैं, हमने जितनी भी हमारी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं ऑल थ्रू इंडिया, तो उनको हमने वो बोला है कि वो वर्ल्ड साइट डे के ईव पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम करें। तो जो पर्पज़ हमारा होता है वर्ल्ड साइट डे के लिए, पर्पज़ ये होता है कि जन जनार्दन को अवेयर किया जाए, उनको जागरूक किया जाए भाई आँख में कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि ये हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जन जनार्दन को अगर पता होगा बीमारियाँ तो जल्दी डायग्नोज हो पाएंगे और जल्द उपचार कर पाएंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे देश में 12 मिलियन लोग ब्लाइंड हैं इस वक्त। ब्लाइंड का मतलब रोज़मर्रा का काम ही नहीं कर पाते होते हैं। तो हमारा मकसद यह और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि 12 मिलियन में से 75% लोग जो हैं वो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है। प्रिवेंटेबल का मतलब है अगर हम उनका उपचार या रोकथाम करें जल्दी तो वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो इसीलिए पर्पज़ ऑफ वर्ल्ड साइट डे इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पब्लिक सो दैट डिजीजेज कैन बी डायग्नोज। तो ये 75% जो है ना इनको हम किस तरह रोकथाम कर पाएँ, तो इसलिए वर्ल्ड साइट डे हम जो कि अक्टूबर के सेकंड थर्सडे को होता है उसके जस्ट ईव पे हमने शुरू किया है। और जैसे कि आपको एक बात ये भी है, अभी अब दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है तो उसमें बहुत सारे बच्चे चोट के शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो अनप्रोटेक्टिव क्रैकर या पटाखे वगैरह बजाते हैं तो उनकी आँख में चोट लग जाती है। और हमारी जो आँखों की कैजुअलिटी है उसमें उस दिन रात को इतने सारे लोग ब्लाइंड होकर आते हैं। तो हमारा मकसद ये भी था, उसको भी हम हाईलाइट किया कि चोट से या पटाखों से बचा जाए किस तरीके से, ताकि अगर पटाखों से आँख का इंजरी हो जाएगा, इस बच्चे ने रिमेंबर 60-70 साल और जीना है, उसकी आँख में पटाखा लग गया तो वो आँख बचती बहुत मुश्किल से है। तो इसका भी हमने इस बात पर ध्यान दिया। मैं एक बार अपना परिचय देते हुए बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में जो वर्ल्ड साइट डे में। हाँ जी, मैं हूँ डॉक्टर राधिका टंडन, प्रोफेसर ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑफ्थेल्मिक साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली। आज ये प्रोग्राम हुआ है अरेंज वर्ल्ड साइट डे के विषय में। हर साल जो अक्टूबर का सेकंड थर्सडे है उसको वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। इसका ये महत्व होता है कि पब्लिक में हम लोगों को जागरूक करें कि आँखों की दृष्टि और आँखों का कैसे ख्याल रखें ताकि हमारे जो विजन है वो अच्छा रहे। तो आज वर्ल्ड साइट डे के ईव पे ये प्रोग्राम किया है ताकि लोगों को जानकारी मिले अपने आँखों को कैसे बचाएं। इसमें सारे स्पेशलिस्ट आए थे डिफरेंट डिजीज़ के, खासकर ग्लोकोमा, कैटरैक्ट जो ओल्ड एज में अफेक्ट करते हैं, फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी के जिनको डायबिटीज़ है घबराने की कोई बात नहीं है पर अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल करें और आई चेकअप रेगुलरली जाए ताकि उनकी दृष्टि बची रहे। और फिर कॉर्नियल डिजीज़, रिफ्रैक्टिव एरर्स ये सब भी बताया गया है जो बच्चों में प्रॉब्लम कर सकती है, पर अगर आप सही टाइम पे चश्मा लगाएं और बच्चों का ख्याल रखें, नोकीली चीज़ों से नहीं खेलने दें या केमिकल से बचाएं, तो इनके कॉर्निया वगैरह भी अच्छे रह सकते हैं।